डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 7.6 को पढ़ रहे हैं, जो कि एक इंटीग्रेशन चैप्टर से है एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 22 तक के फाइनल किया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन और 24। दो क्वेश्चन हम लोगों का रह गया है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चंस को आप देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चंस बोल रहा है, ये कुछ ऐसा है कि एक्स के पावर 2 इंटू ई के पावर एक्स क्यूब, है ना। अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को करते हैं। तो 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स का क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ई के पावर क्या है, एक्स क्यू। एक्स क्यू को अगर हम दोस्त टी मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर होगा। 3 भले नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो है, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स क्यू को टी मानना है। एक्स क्यू को टी मानेंगे तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे तो हमको एक्स स्क्वायर और डी एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं डी टी बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे डी टी बाई 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ई के पावर एक्स क्यू, तो एक्स क्यू को मान लेंगे टी, तो ई के पावर हो जाएगा टी, और एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी टी बाई 3। ठीक है, तो अब 1/3 को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ई के पावर टी डी टी। ठीक है, और ई के पावर टी का डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई के पावर टी का ई के पावर टी होगा, क्योंकि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वही खुद का खुद होता है, तो यहाँ ई के पावर क्या है, टी। तो ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी और प्लस में सी। अब यहाँ 1/3 तो 1/3 हो गया, अब टी किसको माने हैं भाई, तो एक्स क्यू, यानी कि ई के पावर एक्स क्यू प्लस सी। तो कुल मिलाकर इसका ऑप्शन देखा जाए, तो फर्स्ट ऑप्शन है ई के पावर 1/3 ई एक्स क्यू, 1/3 ई एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस तरीके से ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोल रहा है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स और ब्रैकेट में 1 + tan x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। देख लो, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वो फार्मूला क्या है जरा दिखाते हैं कि चलो भाई, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स है और उसके अंदर अगर एफ एक्स रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन भी रहेगा, एफ एक्स रहे और एफ डैश एक्स रहे, तो इसका आंसर हो जाता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ई के पावर एक्स आगे है और सेक एक्स भी है, तो इसको हम लोग फार्मूला पे लाने के लिए सिर्फ ई के पावर एक्स को बाहर करिए और सेक एक्स को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेक एक्स को 1 से हो जाएगा सेक एक्स और प्लस सेक एक्स को टेन एक्स से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है भाई, सेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। तो ई के पावर एक्स और यहाँ सेक एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर एफ एक्स है मेरा हम लोगों का सेक एक्स और एफ डैश एक्स हो गया कितना
sec x इंटू टेन एक्स, तो इसको देख करके पता चल रहा है कि किसका डिफरेंशिएशन, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या, तो sec x tan x तो भी दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x इंटू sec x और प्लस c। देख पा रहे होंगे e के पावर x sec x प्लस c, तो e के पावर x इंटू sec x प्लस c, ऑप्शन नंबर करेक्ट इज डी। तो इस तरीके से हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया बी। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चंस को कि दो ही क्वेश्चंस बचे हुए थे, 23 एंड 24, उसको हम लोगों ने किया। अब बाकी के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.7, इसमें टोटल क्वेश्चंस का बात करें तो 11 ही क्वेश्चन है, यानी कि ये 3 से 4 दिन लगेंगे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नहीं सॉरी एक्सरसाइज, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब हम लोगों को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना है 7.7 के लिए, तो इसको हम लोग एक दिन में हम लोगों का 4-5 क्वेश्चंस हो भी सकते हैं, तो कुल मिलाकर 3 से 4 दिन में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। इसको हालांकि हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि इसमें थ्योरीज भी हैं फार्मूलाज भी हैं, उसको सबसे पहले हम समझा देंगे, फिर क्वेश्चन फटाफट ऑलरेडी बनने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे कि जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग थ्योरी नेक्स्ट डे देंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ से करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए फिर धन्यवाद।